अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायमेंशन ही है। ये मेरी वीडियो लेक्चर जो है वो चौथी वीडियो है यूट्यूब की, जिसमें हम फिर से डायमेंशन को फाइंड करने वाले हैं। देखिए, पहली वाली वीडियोस में हमने पावर का किया है, हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में बात की है, हमने एनर्जी के बारे में बात की है। तो अब जो है वो हम एक स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेन का डायमेंशन फाइंड करेंगी कि स्ट्रेन क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है। चलो पहले मैं लिखती हूँ स्ट्रेन। स्ट्रेन, ओके। स्ट्रेन का आपको पता है कि स्ट्रेन आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा कि बेटा स्ट्रेन हम किसे कहते हैं। स्ट्रेन का मतलब होता है कि किसी भी एक्चुअल लेंथ में, कोई लेंथ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लेंथ है, इसमें अगर कोई चेंज आ जाए, यानी हम काट दें, कुछ भी कर दें, यानी एक्चुअल लेंथ में कोई वेरिएशन आती है तो हम उसे स्ट्रेन कहते हैं। इसका अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो हम लिखेंगे लेंथ डेल्टा एल, यानी ओरिजिनल लेंथ में जो चेंज आया है लेंथ का, उसका ये फॉर्मूला है। लेंथ को आपको पता है कि हम लेंथ को मीटर में शो करते हैं, और आपको पता है लेंथ का यूनिट क्या है बेटा, मीटर है। इसी तरह हम कहेंगे कि डेल्टा एल और एल, इसका मतलब लेंथ का यूनिट मीटर और नीचे भी हमारा आ गया मीटर। पहली बात तो अगर आपने पढ़ा होगा कि मीटर और मीटर तो कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब कि स्ट्रेन का तो कोई यूनिट ही नहीं रहा। एम आई राइट? वेरी गुड बेटा, आप यू ऑल आर करेक्ट कि स्ट्रेन का यूनिट नहीं, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन भी नहीं होता। डेफिनेटली यूनिट भी नहीं होता, लेकिन स्ट्रेन की कोई डायमेंशन भी नहीं होती, यानी यहाँ पे वन आ जाएगा। तो अगर मैं फिर भी कोई, फॉर एग्जाम्पल आपके एमसीक्यूज में आ जाता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन, तो फिर अगर आप फाइंड करते हैं, इतना प्रोसेस लगाते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन होगा, और जिसको आपने टिक भी करना है, ठीक है। लेंथ जीरो है, यानी मीटर में कुछ भी नहीं, जीरो है, मास भी नहीं है यहाँ पे, और टाइम की भी बात नहीं की जा रही। इसका मतलब स्ट्रेन का जो डायमेंशन है वो है एल नॉट, एम नॉट और टी नॉट। आपको ये बात समझ आ गई बेटा बच्चा बाटी की स्ट्रेन जो है उसका यूनिट कोई भी, उसका डायमेंशन कोई भी नहीं होता, उसका यूनिट नहीं ना होता। देखिए, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि दोज थिंग्स वुज नॉट हैव देयर यूनिट। मेरी बात गौर से सुने, मैं यहाँ पे लिखती भी हूँ, ठीक है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट 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 लाइन, ठीक है। अब क्या है, दोज थिंग्स, दोज थिंग्स व्हिच डू नॉट, और यू डू नॉट हैव देयर, ओह आई थिंक इट्स नॉट विजिबल टू यू, या दोज थिंग्स व्हिच डू नॉट हैव देयर यूनिट, यूनिट और दे आर कंसिडर्ड एज अ यूनिटलेस क्वांटिटीज। डेफिनेटली वो क्वांटिटीज जिनका यूनिट नहीं होता, तो हम उसे सिंपल भाषा में उसको हम कहते हैं यूनिटलेस क्वांटिटीज। ओके, तो अब यूनिटलेस क्वांटिटीज या यूनिटलेस ऑब्जेक्ट्स और क्वांटिटीज, वी कैन से, अब यहाँ पे नजर नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ऑब्जेक्ट्स और क्वांटिटीज आर considered, अब भी ये गौर से सुनना, considered as non-directional, non-directional objects or quantities। समझ आ रही बात? नहीं आई तो मैं बता दी हूँ बेटा। कह रहा है कि those things which do not have their unit, वो क्वांटिटीज जिनका अपना कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, या हम जिन्हें सिंपल अल्फाज में यूनिटलेस क्वांटिटीज कहते हैं, उनके पास अपना डायमेंशन भी नहीं होता, दे आर कंसीडर्ड एज ए नॉन डायमेंशनल। सवाल पैदा होता है कि क्यों, आप खुद बताएं।
दो क्वांटिटीज का यूनिट तब नहीं होता जब दोनों में सेम बात की जाए। स्ट्रेन का हमने कोई यूनिट नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दोनों ही लेंथ की बात कर रहे हैं, दोनों ही मीटर की बात कर रहे हैं। मीटर मीटर कैंसिल हो जाता है तो वन बचता है, इसका मतलब इसका कोई यूनिट नहीं है। तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। और जब यूनिटलेस क्वांटिटी की हम डायमेंशन मालूम करते हैं वो हमेशा वन के बराबर होती है, इसका मतलब ये नॉन डायमेंशनल है, क्योंकि इसके पास लेंथ भी नहीं है, मास भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। समझ आ गई बात? यानी वो क्वांटिटीज जिनके पास यूनिट नहीं है या यूनिटलेस क्वांटिटीज, उनको हम कंसीडर कहते हैं एज ए नॉन डायमेंशनल क्वांटिटीज। समझ आ रही है बेटा? अब हम चलते हैं एक दूसरी डायमेंशन फाइंड करने, जिसका नाम है डेंसिटी, जो आपने पढ़ी हुई है। ओके बेटा, अब यहाँ पे हम लिखते हैं डेंसिटी। आई होप आपको समझ आ रहा है बेटा। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आती काइंडली अब मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। और अगर आपको कोई, आप चाहते हैं कि मैम ये जो है वो डायमेंशन हमसे सॉल्व नहीं हुई, आप करके दें, तो आई विल डेफिनेटली डू दिस फॉर यू। तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं ऑन द कमेंट सेक्शन। ओके, आप डेंसिटी की बात कर रहे हैं, डेंसिटी का यूनिट क्या है? वेल, वेरी गुड। हम कहेंगे मास पर वॉल्यूम इज कंसिडर्ड एज अ यूनिट ऑफ, इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। ठीक है, मास बराबर किसके होता है? केजी के। और वॉल्यूम किसके बराबर होता है? मीटर क्यूब के। इसका मतलब हम कहें कि डेंसिटी का जो डायमेंशन होगी, हम केजी किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं? केजी हम कहते हैं मास को। और मीटर की बात कर रही है मतलब लेंथ की बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे केजी की जगह मास। मास एक मरतबा है तो हम लिखेंगे ऐसे। और डिवाइड कर रहा है क्या? मीटर यानी लेंथ। लेंथ हमने क्यूब रखा है, क्यूब ही रखेंगे। अब ये जो एल है, हम पूरा नीचे कर जाते हैं, ये जो एल है यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो हम कहेंगे कि एम एल माइनस थ्री। ये है हमारे डेंसिटी की डायमेंशन। ओके, ये क्या है? हमारी डेंसिटी की डायमेंशन है, जो बिल्कुल इजी थी। इट वाज वेरी सिंपल डायमेंशन। और अब जो है हम दूसरी भी डायमेंशन को, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रेन की डायमेंशन कोई नहीं होती क्योंकि वो यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटीज की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो मैं अगर बात करूं आपसे स्ट्रेन की, तो क्या उसकी डायमेंशन होगी? चलो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लाइक स्ट्रेन की कौन सी डायमेंशन हो सकती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। और अब हम बात करते हैं, किसकी हम बात करेंगे? अब हम, मैं सोच रही हूं कि हम बात करेंगे वॉल्यूम की, विच इज वेरी सिंपल। मुझे लगता है हर कोई कर लेगा वॉल्यूम। अच्छा, आप खुद भी करें, वीडियो को पॉज करें, देखें, आप खुद कर सकते हैं, आपके पास कैपेबिलिटी है, आपको समझ आया है या ऊपर ऊपर से चला गया? ठीक है, आप सम करें। ओके, वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम का जो यूनिट है वो मीटर क्यूब है। मीटर क्यूब का मतलब है कि लेंथ की बात कर रहा है, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा लेंथ क्यूब। मोस्ट इजीएस्ट वन। ओके, ये भी नहीं आता तो डूब मरो। ठीक है, ये बिल्कुल इजी है। ठीक है, करना है तुम लोगों को, इतना इजी मैंने किया है, पहले तुम करना फिर आप देखें। इसकी डायमेंशन फाइंड करिए। इसका मतलब ये, इस वीडियो में हमने स्ट्रेन की, डेंसिटी की और वॉल्यूम की डायमेंशन फाइंड की है। और इन द एंड ऑफ द लेक्चर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि ओके, डायमेंशन को दिखाते हैं। चलो, इन द एंड ऑफ द सेशन मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, कुछ नहीं जाता, और लाइक भी कर लो। थैंक यू।